आज आदि प्रशा के स्कूल में क्रिसमस थीम है राइट आदि शो योर गेट अप लुक एट दिस आदि इज हैविंग ऑल रेड रेड एंड अ सांता हैट प्रशा कम हियर शो योर्स प्रशा गॉट अ क्रिसमस थीम एंड शी गॉट अ लिटिल रेनडियर हेडबैंड ओह कम 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 प्रशा और बच्चों के क्रिसमस गिफ्ट्स भी रेडी हैं जो वो अपनी टीचर को देने वाले हैं राइट गाइस राइट आज बच्चों के स्कूल में गिफ्ट एक्सचेंज होने वाले हैं तो बहुत ज्यादा बिजी वाला वीक है ऑफ कोर्स चलिए अभी थोड़ी देर में बच्चों को छोड़ के आती हूँ फिर आप लोगों को फिर से कैचअप करती हूँ लेट्स गो गाइस कम ऑन देयर यू गो गाइस तो हम लोगों ने अभी अपना गेटअप चेंज कर लिया है आदि आ गया है अपने सांता हैट में जो कि वो पहले से ही था प्रशा का नहीं यार प्रशा को मैंने अंदर से दूसरी हैट निकाल के दी है और मैं बन गई हूँ रेनडियर लुक प्रिशा ने अपनी सांता हैट पहन ली है आदि ने अपनी सांता हैट पहन ली है देयर यू गो और आदि अपने स्कूल में बोर्ड गेम भी लेके जा रहा है राइट आदि या बिकॉज मिस बजाज टोल्ड मी दैट और मिस बजाज ओके हियर आदि का बैग उसकी वाटर बॉटल एंड मेक श्योर यू ब्रिंग योर स्कूल टीचर्स गिफ्ट्स ओके प्रिशा कम हियर एंड आल्सो ब्रिंग प्रिशा कम प्रिशा कम प्रिशा के बैग्स मैं उठाने वाली हूँ क्योंकि इट विल बी टू मच हार्ड फॉर हर टू कैरी नो शी कैन कैरी देयर यू गो चलो चलते हैं स्कूल में देयर यू गो गाइस कम ऑन लेट्स गो लेट्स गो लेट्स गो नो एक्चुअली आई एम गोना ओ वेट कम ऑन लेट्स कम ऑन प्रिशा कम हियर आदि कम ऑन कम ऑन प्रिशा लेट आदि मेरे कम ऑन आदि कम ऑन चिल्ला दोनों बच्चे अभी स्कूल जा रहे हैं आदि से बाय बाय सी यू इन द आफ्टरनून बाय बाय सी यू इन द आफ्टरनून वेरी गुड प्रिशा कम ऑन आदि मेक श्योर यू गिव इट टू योर टीचर विद द नेम रीडिंग ऑन इट ओके गो प्रिशा दोनों बच्चों को अच्छे से जैकेट भी पहना दिया उनके गिफ्ट्स दे दिए हैं सांता हैट पहना दिया है और अब हम लोग जा रहे हैं गो टेम्परेचर हो रहा है 60 डिग्री फ़ारेनहाइट हालांकि टेम्परेचर थोड़ा ठीक ठीक है पर ठंडा बहुत ज्यादा है इसलिए दोनों बच्चों को जैकेट पहना रखी है और सांता हैट तो हो ही गई है गरम गरम सी राइट आदि प्रिशा कम हियर माय लिटिल सांतास लुक इट ओवर हियर आदि प्रिशा लुक इट ओवर हियर दोनों क्यूटी बट्यूटीज दोनों ने अपने गिफ्ट पकड़ रखे हैं जैकेट पहन रखा है अच्छे से दोनों काफी एक्साइटेड है आज सांता गिफ्ट्स एक्सचेंज करने के लिए स्कूल में और पार्टी भी होने वाली है इनकी yeah. और कल इनका हाफ डे स्कूल में शकम कम फॉर किसी किसी माय लिटिल सांता कम या आदि कम माय लिटिल सांता आई लव यू ऑलवेज रिमेम्बर दैट मम्मी डैडी लव्स यू वी आर ऑलवेज देयर फॉर यू And enjoy your school life because the school life is the best memory. Yes. Life. Yes. And always remember. Oh, and Adi and Prisha, if somebody gives you hard time, let mommy knows about it. Let your teacher knows about it. Okay. So you can report them. Yes. I will tackle that. Okay. Don't worry about it. Okay. But you have to tell me everything. Okay, Chika. Okay, Prisha. Good job. Goodbye. Bye. चलिए बच्चे गए हैं स्कूल बच्चों के डैडी गए हैं जॉब पे और अब मैं थोड़ा सा बैठूंगी अपने लैपटॉप पे कुछ जरूरी काम करूंगी ईमेल्स वगैरह मुझे जो सेंड करनी है तो मैंने सोचा कि चलो वो करने बैठूं उससे पहले रेडी हो जाती हूँ अच्छे से फिर थोड़े से घर के काम कर लेती हूँ और उसके बाद थोड़ा सा लैपटॉप पे बैठूंगी ये मेरा परफ्यूम ये परफ्यूम भी कोच का है जो कि बच्चों की डैडी ने ही मुझे गिफ्ट में दिया था लेकिन ये लास्ट ईयर का है
और जब हम लोग मैक्सिको की ट्रिप पे जा रहे थे तब उन्होंने मुझे ये दिलाया था, तब से अभी तक है मेरे पास। इसके आधी बॉटल ही हुई है अभी तक, हाफ, यू नो, हाफ से भी ज्यादा ही है, बल्कि हाफ से ज्यादा ही है। अभी छोटी सी बॉटल है कोच की पॉपी फ्लावर। मुझे इसकी स्मेल बहुत अच्छी लगती है, और टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैं इतने दिनों से आप लोगों के साथ ज्यादा कैचअप भी नहीं कर पा रही थी क्योंकि मैं बहुत ज्यादा बिजी हो गई थी, और बिजी होने के कारण ये हुआ कि मैं इंस्टाग्राम पे रील्स तो मैं डालती जा रही थी, साथ में हुआ ये कि बर्थडे पार्टीज भी चल रही थी बैक टू बैक। मुझे मेरे जो फ्रेंड्स लोग हैं उन सबको मैंने बर्थडे पार्टी दी थी, और मैंने गिफ्ट्स कोई भी नहीं लिए हैं। मैंने कोशिश ये करी थी, मैंने सबको यही बोला था कि गिफ्ट्स मुझे नहीं चाहिए, आप लोगों का टाइम चाहिए, जो बहुत ज्यादा क्वालिटी टाइम्स हम स्पेंड करते हैं एक दूसरे के साथ, बहुत सारी बातें करते हैं वो, तो मैंने वही सबको बोल दिया था पहले से ही। तो बस वही हुआ, मेरी फ्रेंड्स आई थी, मैंने उनके लिए खाना बनाया था, जैसे कि आप लोगों ने मेरे ब्लॉग्स में देखा। मुझे बहुत मन हो रहा था कि उन सबको मैं खाना बना के खिलाऊं अपने हाथ से, यू नो, एक अच्छा लगता है, एक अपनापन महसूस होता है जो आप घर के जैसे फीलिंग लगते हैं रखते हैं जिनके साथ, तो उनको आप खुद से खाना बना के खिलाते हैं इसीलिए। तो वो बहुत ज्यादा बिजी हो गया था, मतलब पहले दिन भी मैंने करा था, अगले दिन भी मैंने करा था, फिर एक दिन पहले बच्चों के डैडी के साथ चले गए थे, फिर मंडे को भी यही हुआ कि सोचा था कि नहीं करेंगे क्योंकि फ्राइडे को करना है सेलिब्रेट, तो मंडे को जैसे ही बर्थडे आया तो फिर बच्चों के डैडी बोले कि अब आज बर्थडे है और मैं टाइम से फ्री हो गया तो चलो वापस से चलते हैं, तो फिर वापस बाहर चले गए थे। और फिर उसके चलते हुआ ये था कि ठंडा गर्म बहुत ज्यादा हो रहा था, फिर बच्चों के डैडी का मीटिंग भी अलग से चल रही थी, फिर बच्चों के स्कूल्स वगैरह, हम लोगों को जो स्कूल में बच्चों के क्रिसमस गिफ्ट्स होते हैं उसकी भी शॉपिंग करनी थी, तो इतनी सारी चीजें पैरेलल चलती ही जा रही थी। फिर प्रेशा की जिम्नास्टिक्स भी हो गई उसी बीच में, फिर मुझे थोड़ा सा अपना क्लॉजेट वगैरह ऑर्गेनाइज करना था क्योंकि बहुत टाइम से पेंडिंग पड़ा हुआ था। दिवाली के भी बहुत सारी चीजें हैं, कपड़े वगैरह सब इधर उधर बिखरे हुए थे, तो मुझे वही करना था। अभी भी बहुत सारे हैं, मैं बता दूं कि क्लॉजेट कभी ठीक नहीं हो सकता, इतनी सारी चीजें आ जाती है ना एक साथ, सच्ची में हमारी कभी जम ही नहीं पाती। तो बस वही चल रहा था, इतना सारा बैक टू बैक चल रहा था। फिर स्कूल में एक मीटिंग भी आ गई थी, मुझे बच्चों के स्कूल में जाना था, वॉलंटियर मैंने कर रखा था, वहाँ पे जो एक्टिविटीज हो रही है उसी के चलते अभी भी बहुत सारी चल रही है, लेकिन मुझे मौका ही नहीं मिल पा रहा कि अब मैं जाऊँ। और मेरे कॉल्स अलग चल रहे थे, मेरी मीटिंग्स अलग चल रही थी, तो इतना ज्यादा बिजी हो गया था सच्ची में। मैं बता दूं आप लोगों को कि मुझसे हो ही नहीं पा रहा था कि मैं अपना कैमरा उठा के आप लोगों के साथ शेयर भी कर पाऊँ कोई चीज़ों को, और नहीं वो डेज को कवर कर पाऊँ इसीलिए। पर वो इतना ज्यादा बिजी था कि मेरे पास टाइम ही नहीं था, इनफैक्ट मेरे पास खुद का फोन उठाने तक का टाइम नहीं था क्योंकि इतना ज्यादा चल रहा था, फिर लैपटॉप पे भी बिजी थी इसीलिए। तो खैर अभी थोड़ा सा रिलैक्सिंग टाइम मिला है, तो मैंने आज आप लोगों के साथ बहुत दिनों के बाद अपना वीडियो शेयर करा है। आप लोग जरूर से चेकआउट करिएगा मेरे बर्थडे का, और आप लोगों को कैसा लगा मुझे जरूर से बताइएगा। भाई मेरे लिए तो बहुत बड़ी बात है, इसीलिए मैंने आप लोगों के साथ शेयर करी है। ऑफकोर्स मेरे साथ आप लोग रिलेट कर पाते होंगे क्योंकि ऑफकोर्स कोई भी बड़ा गिफ्ट लेने की बजाय अगर बच्चों के डैडी यानी ऑफकोर्स आपके हस्बैंड आपको, आपका पार्टनर आपको कोई भी चीज दे देता है तो वो बहुत बड़ी बात हो जाती है, लाइफ टाइम मेमोरी टाइप हो जाती है। तो मेरे लिए बिल्कुल वैसे ही था, जैसे कि मैंने अभी आप लोगों को बताया ये वाला परफ्यूम तो बच्चों के डैडी ने मुझे लास्ट ईयर दिया था, तब हमारी एनिवर्सरी चल रही थी, आने वाली थी, और उन्होंने मेरे लिए प्री ऑर्डर करा था वो भी मैक्सिको की ट्रिप के दौरान। तो अभी तक ये 1/3 ही खत्म हुआ है, अभी भी मतलब 2/3 तो बचा ही हुआ है, अगर मैं उस तरीके से देखूँ 1/4 ही खत्म हुआ है एक तरीके से, तो अभी भी बहुत सारा बाकी है इसके अंदर। इसकी स्मेल बहुत अच्छी है, फ्लावरी एंड फ्रोलन मिक्स है इसके अंदर, तो काफी अच्छी लगती है। खैर और उसके साथ साथ मेरे पास हैंडबैग्स भी हो गए हैं, वो भी एक मैंने आप लोगों के साथ शेयर करा। आज है बिल्कुल रेगुलर से डे, अभी फिलहाल मैं तैयार हो चुकी हूँ नहा धो के, कहीं जाना नहीं है मुझे, तो मैं ये सोच रही कि पहले बच्चों के रूम को क्लीन कर देती हूँ, फिर अपना रूम क्लीन करती हूँ, आगे का लिविंग रूम क्लीन करती हूँ, घर के छोटे छोटे जो काम है मेरे रेगुलर रूटीन्स है उन्हें क्लीन कर लेती हूँ पूरी तरीके से। उसके बाद मुझे लैपटॉप पे बैठना है, लैपटॉप पे थोड़ा एडिटिंग का काम तो करूंगी लेकिन साथ में मुझे ईमेल्स के रिप्लाई करने हैं वो सारा काम करती हूँ। उसके बाद मेरी एक मीटिंग रहेगी वो भी मुझे अटेंड करना है, बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं। ये सारे काम हो जाने के बाद मुझे थोड़ा सा टाइम मिलेगा, तब मैं बच्चों को लेने जाने का टाइम जब रहेगा उस टाइम पे मैं आप लोगों के साथ कैचअप करवाऊंगी। तो चलिए अभी फटाफट से पहले घर के काम करते हैं, ये एक छोटा सा अपडेशन था आप लोगों को बताने के लिए कि इतने दिन से मैं कहाँ गायब थी। इनफैक्ट मैं भी आप लोगों को बहुत मिस कर रही थी, टू बी वेरी ऑनेस्ट, पता है इतना ज़्यादा कनेक्शन हो गया है ना कि एक दिन भी मिसिंग होता है ना तो मुझे ऐसा लगता है कि मैंने कोई चीज़ खाली छोड़ दी, या यहाँ पे मैंने किसी को बताया नहीं इस तरीके से करके। तो अभी मैं जब आप लोगों से बात कर रही हूँ तो मुझे काफ़ी रिलीफ मिल रहा है, तो चलिए अभी फटाफट से दूसरे कामों में लगती हूँ, उसके बाद आप लोगों को फिर से कैचअप करती हूँ। चलिए
देखूं जरा, बेल बजी है अभी, हाल कोई आया है तुमसे? मैं ना हमेशा जब भी ओपन करती हूँ ना, उससे पहले मैं हमेशा यहाँ पे छोटे से मिनी हॉल से जरूर चेक करती हूँ कि बाहर कौन है। बाहर ना घास काटने वालों की ट्रक खड़ी हुई है, तो देखती हूँ कोई दिखाई तो नहीं दे रहा है। लेट्स सी, अमेजॉन का पैकेज आया, देखते हैं इस अमेजॉन के पैकेज में क्या आया। लेट्स सी, ये पेन से खोल के देखती हूँ, पता नहीं क्या है इसके अंदर, देखे चलो। वैसे मैंने भी एक चीज मंगाई थी काउंटर टॉप पे रखने के हिसाब से, लेट्स सी ये अगर वही हुआ तो मेरा काम हो जाएगा। हर बार बोलती हूँ कुछ लाना नहीं है कुछ लाना नहीं है, लेकिन हर बार ही कुछ ना कुछ हो ही जाता है। पर ये कुछ ज्यादा महंगा नहीं है, छोटू सा है, इसकी प्राइस मैं अभी बता दूंगी, अगर मेरे काम में आ गया तो ठीक है, नहीं तो मेरे को रिटर्न करना पड़ेगा। छोटा सा किचन का आइटम, लस्सी, अरे वाह, डब्बे के अंदर डब्बा, वो वो, अच्छा अच्छा अच्छा, ये वाला स्पाइस रैक है। अब ये स्पाइस रैक किस तरह का है, किस काम का है, वो मैं आप लोगों को अभी थोड़ी देर में बताऊंगी। एक बार मैंने खोल लू, बाहर ना घास कट रही है अभी, और मेरे बेचारे पक्षी देखो ये ऐसे डर जाते हैं, घास काटने वाला घास तो काट ही रहा है, साथ में आदि का जो फुटबॉल का है ना वो नेट वगैरह उसे हटा दिया उसने। अच्छा ये घास काट के गया अभी, मेरे बेचारे पक्षी छोटे छोटे से डर गए, सहमे से बैठे हुए एकदम कोने में। चलिए मैं पहले आप लोगों को बता देती हूँ कि मैंने रैक तो बना ली है, और वो कैसी दिखती है और कितने की पड़ी ये मैं बाद में बताऊंगी, लेकिन मैंने कहाँ के लिए मंगाई है वो मैं ज़रूर आप लोगों को बता देती हूँ एक आइडिया के तौर पे, फिर चेंज करती हूँ और फिर वापस से बताती हूँ कि वो जगह मैंने किस तरीके से सेट करी है। चलिए मेरे पास यहाँ पे टिश्यू रोल है, स्पून कैरी है, और साथ में मेरा ये हॉट वाटर का जग है, ठीक है। तो ये यहाँ पे सिंक आ जाता है, सिंक अभी मैसी हो रखा है, उसे मुझे क्लीन करना है। तो ये जिस तरीके से ये एरिया है, मुझे यहाँ पे रखने के लिए ये वाली रैक चाहिए थी। अब मैं इसे थोड़ा सा चेंज करती हूँ, अगर जमेगा तो ठीक है, नहीं तो मैं रिटर्न कर दूंगी, पर पहले इसको सेट करती हूँ। चलिए वैसे मैंने इसे जमा तो लिया, लग रहा बड़ा प्रीटी है, पर आप लोग भी मुझे बताइएगा कैसा लग रहा है, क्या ये यूजफुल है। मुझे तो ये जगह काफ़ी नीट एंड क्लीन नज़र आ रही है, एक साथ सारी चीज़ें जो इधर उधर बिखरी हुई थी ना वो सारी एक ही जगह पे आ गई हैं। फिर भी मुझे बताना कि ये सही है कि क्या है, मुझे नहीं समझ में आ रहा है, पर मुझे ये बड़ा अच्छा लगा, मैंने सोचा चलो लगा के देखते हैं, लेट्स सी, अभी नहीं तो बाद में काम में आ जाएगा, बट लेट्स सी, अभी के लिए तो इतना अच्छा लग रहा है सच्ची में। चलिए मैं आप लोगों को रियल क्विक में दिखा दूंगी। अब मैंने इसे कर दिया है एम्प्टी, फिर भी इसे रखूंगी मैं साइड में। चलिए इसको साइड में रखते हैं, और ये रहा जो कॉर्नर मैं आप लोगों को दिखा रही थी ना, और ये स्टैंड रखने के बाद ये इस तरीके से दिखाई दे रहा है। इसके अंदर मेरी नाइफ्स आ गई हैं, यहाँ पे मेरे स्पून्स आ गए हैं, अभी और धुलने में गए हैं, वो मैं इसमें जमा दूंगी, और साथ में मैंने अपना जो हॉट वाटर जग है उसे यहाँ पे स्टैंड में रख दिया। यार पता है कि पानी गिरता था ना तो ये नीचे नीचे से गीला होता था, और पता है शॉक आने का डर रहता है, और ये इसमें इतना इजीली वो है ना, मतलब इसमें से निकाल के वापस से इसके अंदर रख सकते हैं,
यू नो वापस से इसकी जगह पे चला जाएगा। पीछे जो मेरी लाइट लगी हुई है उसे भी डिस्टरबेंस नहीं हो रहा है, और पीछे यहाँ पे ना स्पून्स लगाने का एक स्टैंड है, वो मैं बाद में यूज़ करूँगी जब यू नो ज़्यादा स्पेस हो जाएगा तब। और ये साथ में मैंने यहीं पे ये चलनियाँ टांग दी हैं, तो काफ़ी अच्छा लग रहा है। स्ट्रेनर वगैरह, टी स्ट्रेनर, आप लोग मुझे बताइएगा कैसा लग रहा है ये वाला कॉर्नर। मुझे तो अच्छा लगा, मैं इसे थम्स अप देती हूँ, दही को पर अभी के लिए फिलहाल। पर देखते हैं, लेट्स सी कितने दिन यूज होता है या कैसा लगता है अगर ये। वैसे ये जगह ना काफी क्लीन क्लीन सी हो गई है, पता है कैडी वगैरह हटा दो तो ये जगह ना बड़ी क्लीन सी दिखाई दे रही है। देखो इतना साफ सुथरा और नीट एंड क्लीन दिखाई दे रहा है ना, और स्पेस भी काफी सारी हो गई है यहाँ पे। चलिए अभी मैं निकली हूँ बच्चों को लेने के लिए, तो टाइम कहाँ बीत जाता पता ही नहीं पड़ता सीरियसली। और अभी भी मेरे बहुत सारे काम बाकी है। घर तो क्लीन हो गया है, लेकिन अब लॉन्ड्री लगा के आई हूँ एक बार की लॉन्ड्री लगाई है, फिर ड्रायर में कपड़े डाले हैं। जब तक घर पहुँचूंगी बच्चों को लेके, तब तक वो ड्रायर के कपड़े हो जाएंगे, फिर उन्हें घड़ी करूँगी, फिर जो वॉशर में कपड़े लगाए थे वो ड्रायर में डालूंगी। बहुत सारे काम सच में। सोच रही थी कि बैठ जाऊं थोड़ा सा 5-10 मिनट के लिए, बस बैठना तभी हुआ था जब मैंने वो किचन की छोटी सी रैक बनाई थी। वो रैक मुझे तो अच्छी लगी, बट लेट्स सी कितना यूज में आती है। अगर मुझे नहीं जमेगी तो मैं बाद में बदला दूंगी, और क्या रिटर्न कर दूंगी। अमेजोन का ना ये चीज बहुत अच्छी रहती है, फ्री रिटर्न रहते हैं ना बहुत सारी चीजों पे, तो आप आराम से मंगा के पहले देख सकते हो तसल्ली से कि आपके घर पे ये चीजें जम रही है नहीं जम रही है। नहीं जमे तो बाद में रिटर्न कर दो, और क्या। चलिए बहुत जल्दी भीड़ होने लग गई है यहाँ पे। चलिए मैं पहले बच्चों को लेकर पिक करके आती हूँ, क्योंकि मैं रोड पे रहूंगी वॉकिंग के थ्रू, तो मैं अपना ध्यान नहीं बटाना चाहती हूँ। चलिए पहले बच्चों को पिक करती हूँ, उसके बाद आप लोगों को कैचअप करती हूँ। ओके, आदि प्रशा आ गए हैं। आदि प्रशा, हाउ वाज योर सांता पार्टी? गुड। डिड यू गिव इट टू एवरीवन योर गिफ्ट? हाउ डिड मिस बजाज रिएक्ट? You didn't have to do that. I love you, Ari. Oh, that's what she did? Yeah. Oh, so nice of her, right? Uh-huh. And how about you, Prisha? How Miss Salt Lake and Miss Rome did it? She also gave me a card. Oh, is it? Oh, so, wow. To me and my family. Oh, so cute. Prisha, come here. She told me. Prisha, come here. Show it to yours. Wait, come. We have a cute snowman. Oh, so cute. Prisha, can I see that? Come here. It's a card. Come here. She said she likes my present to her. Okay, let's go home and explore it. What are they getting? Okay, let's go. चलिए बस बच्चों के डैडी के अभी कपड़े अभी निकाल के ला रही हूँ वॉशिंग मशीन में से और रख दूंगी। प्रिशा, what are you doing, Chico? कितना क्यूट सा है। ओह माय गॉड। ओह या आदि, एंड व्हाट डिड यू गेट? आई गॉट अ गिफ्ट कार्ड। आई ओनली गॉट अ कार्ड। ओह, शो इट टू मी। गो। डू यू? ओह माय गॉड, थैंक यू प्रिशा। यू कैन यूज इट टू स्टोर योर सरप्राइज। सो यू नो व्हाई इट्स सो लाइट? सो द कैंडल कुड शाइन थ्रू इट व्हेन यू पुट इट इनसाइड। रियली? ओह माय गॉड, बच्चे कितने क्यूट होते हैं ना, स्कूल से क्या क्या बना के लाते हैं मम्मा के लिए। आदि, गॉट अ थैंक यू कार्ड फ्रॉम हिज टीचर। ओह माय गॉड, प्रिशा, शो इट टू मी, शो इट टू मी। लेट मी ओपन। कम दिस साइड। Oh my God, ये पूरा सील्ड है आदि एंड हिज फैमिली की तरफ से। कम दिस साइड, लेट्स ओपन। ओह
my god. So beautiful, so cute. Look. So beautiful. So elegant. Just looking like a wow. Just looking like a wow, right, Daddy? Why are you sitting like that? It's red. Oh, so cute. Mrs. Bajaj, oh my god. ये आदि की क्लास टीचर्स ने भेजा है, थैंक यू वगैरह. ओ माय गॉड, हम लोगों ने क्रिसमस गिफ्ट दिए थे, राइट आदि? ओ माय गॉड, जो कि हम लोग हर साल देते हैं बच्चों के टीचर्स को, जो उनकी टीचर्स होती हैं उनके लिए, तो बच्चों की टीचर्स ने थैंक यू बोला है. सो क्यूट, वेरी नाइस ऑफ देम. ये रखती हूँ मैं बच्चों के डैडी के डेस्कटॉप पे, डेस्क पे. चलिए, और बच्चों के डैडी के यहाँ पे कपड़े आए हुए हैं, तो कपड़े भी घड़ी करती जाती हूँ. बाप रे, इतने सारे काम है ना, अभी काम ही खत्म नहीं होते हैं. अभी देखती हूँ पहले, या तो सोच रही हूँ कि बच्चों को पहले नहीं ला के ले आती हूँ, एक बार स्कूल से आ गए हैं ना अभी, इसीलिए. और ये कपड़े बस अभी मैं ला के रख ही रही हूँ, आधे रख दिए हैं, आधे अभी भी लगे हुए हैं, तो मैंने सोचा कि मैं यहाँ पे रखती जाऊँ, उसके बाद पहले घड़ी कर लेती हूँ. और वो पर यही हुआ है कि बच्चों ने अपने कार्ड दिखा दिए बस. चलिए,